గుడ్ ఈవినింగ్ డియర్ స్టూడెంట్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్. టుడే విల్ స్టార్ట్ లెక్చర్ సిరీజ్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ గ్రెయిన్ పెస్ట్. హియర్ విల్ బి డిస్కస్ అబౌట్ స్టోరేజ్ గ్రెయిన్ పెస్ట్ అండ్ డియర్ కంట్రోల్ మెజర్స్ అండ్ స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ అదర్ ఆల్సో ఇన్క్లూడ్ టాపిక్ in this lecture and lecture series also. Isi lecture series mein hi jisme ek primary cheeze hain jo jankari ke liye bahut hi zaruri hain, jisme storage insect pest hai. Insect mein jo storage grains hote hain, स्टोरेज ग्रेन्स में कई सारा इंसेक्ट है, बीटल है, मॉथ अटैक करते हैं और जो ग्रेन्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, स्पॉयलेज कर देते हैं. ये स्टोरेज के बिन्स में और जो मिलिंग होती है तो मिल्स के टाइम में भी और वेयर हाउसेस के टाइम में भी और स्टोर के टाइम में भी. तो ऐसे ही इंसेक्ट को स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट कहा जाता है, जो इंसेक्ट के स्टोरेज स्ट्रक्चर या स्टोरेज टाइम पर उनको हार्मफुल होते हैं. और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेस्ट हैं बीटल और मॉथ हैं, जिसमें कई सारे बीटल्स हैं जो अटैक करते हैं. और मॉथ में जो इसका डैमेजिंग स्टेज है कैटरपिलर है, और बीटल में जो डैमेजिंग स्टेज है ग्रब होता है. और जो सबसे ज़्यादा अगर ऑर्डर की बात करें तो कोलियोप्टेरा आर्डर से बिलोंग करते हैं डैमेजिंग स्टेज, जो स्टोर में सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं कोलियोप्टेरा आर्डर के इंसेक्ट हैं, जो राइस बीविल है जिसको सिटोफिलस और आईजी बोलते हैं. सबसे ज़्यादा राइस बीविल, राइस और व्हीट है और ग्रैन अदर ग्रैन सीड्स में भी इसका इफेक्शन काफ़ी होता है. इसी का ये जो एडल्ट और ग्रब स्टेज दोनों ही हार्मफुल है. फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, मेजरी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं इंसेक्ट की कंडीशंस, उसके रिप्रोडक्टिव कंडीशंस, उसकी इफेक्शन कंडीशंस और अदर स्पॉयलेज कंडीशंस हो सकती हैं, जो स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बेस में भी हो सकता है, उसका अदर अदर क्लाइमेटिक रीजन भी हो सकता है, स्टोरेज स्ट्रक्चर भी हो सकता है. तो इस तरीके से कई चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट डालती हैं, जो जिससे ग्रेन्स स्पॉयलेज होता है, उसकी क्वालिटी डिक्रीज होती है, जिसमें एबायोटिक है. एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें मॉइस्चर आता है, टेम्परेचर आता है, ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड. और बायोटिक फैक्टर है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइट्स और अदर कई सारी चीज़ें हैं जो बायोटिक फैक्टर्स में आती हैं, और उनको स्टोरेज के जो ग्रेन्स होते हैं उनको क्वालिटी या क्वांटिटी में डिक्रीज करते हैं. तो सबसे पहले है एबायोटिक फैक्टर्स. एबायोटिक फैक्टर्स में मॉइस्चर है. अगर एक प्रॉपर किसी भी स्टोरेज ग्रेन्स के लिए सबसे पहले चीज़ डिसाइड की जाती है कि जहाँ पर भी हम स्टोरेज कर रहे हैं वहाँ का ह्यूमिडिटी कैसा है और कितना मॉइस्चर लेवल होना चाहिए स्टोरेज करने के लिए ग्रेन्स को. तो बेस्ट होता है जो 70% मॉइस्चर यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए, और बेस्ट सुटेबल्स होता है 13.3% स्टोरेज का जो मॉइस्चर लेवल्स होता है ग्रेन्स, स्टोरेज ग्रेन्स का मॉइस्चर लेवल 13.3% बेस्ट होता है. और यदि 12% मॉइस्चर होता है तो उस समय सबसे ज़्यादा इंसेक्ट के अटैकिंग का चांस रहता है. बल्कि ये सुटेबल, बहुत ही सुटेबल मॉइस्चर कंटेंट है, और अगर 12% होता है तो उस समय चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ओवपोजिशन की भी कंडीशन बढ़ जाती है, एगलेइंग की भी कंडीशन बढ़ जाती है, और काफ़ी मोस्टली इंसेक्ट हैं जहाँ सर्वाइव कर जाते हैं. और ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम अगर पूरे स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एब्सेशनल्स में है, और ये किसी भी तरीके का जो टेम्परेचर होता है, मॉइस्चर होता है, वो हाई लेवल में भी सर्वाइव हो जाता है और लो लेवल में भी सर्वाइव हो जाता है.
तो ये बहुत ही ऑब्सेशनल है और इसको कंट्रोल करने का जो मीजर है वो भी बिल्कुल अपोजिट है। मॉइस्चर जो अटैक करते हैं इसमें 14% के आसपास सबसे ज़्यादा फंगल्स देखा होगा आपने कि जब स्टोरेज ग्रेन्स होते हैं स्टोरेज ग्रेन्स में व्हाइट कलर का फंगस जम जाया करता है, तो ज़्यादा मॉइस्चर लेवल जब हो जाता है तो उस कंडीशन में ये होता है। टेम्परेचर भी मेन फैक्टर्स है जो ग्रेन्स को इफेक्ट डालता है, जिसमें अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर हो जाता है तो उस समय जो उसका जर्मिनेशन कैपेसिटी होता है सीड का या वाइबिलिटी उसका काफ़ी लॉस कर देता है और न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है उसको भी काफ़ी डिक्रीज कर देता है। और अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये टेम्परेचर हो जाता है तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्शंस होता है इंसेक्ट का उसको स्टॉप कर देता है, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड की कंडीशन में इंसेक्ट का जो ग्रोथ लेवल होता है उसको डिक्रीज करके और उसको धीरे धीरे डेड कर देता है। ऑक्सीजन में ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम बताया था कि एक्सेप्शनल है, बाकी ऑक्सीजन का जो मोर सर्वाइवल परसेंटेज है 16.8% है, जहाँ पर खपरा बीटल ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम सबसे ज़्यादा सर्वाइव करता है और इसके एग भी इसी समय एग का लेंग भी बहुत अच्छा करते हैं। बाकी कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जहाँ पर अगर ऑक्सीजन अब्सेंस भी है तो भी अपना ये जो जो मेटाबॉलिक रेट होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं, और जो ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजन को अपने ही टिश्यू के डेवलपमेंट में उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। CO2 का जो कंसंट्रेशंस है हाई कंसंट्रेशंस होता है जो स्पाइरकल्स में जा करके उनमें इफेक्ट डालता है और डेसिकेशन की स्थिति ला देता है इंसेक्ट में। फिर आते हैं बायोटिक कंडीशन। बायोटिक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फंगस सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है, और जब 20 से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और जो मॉइस्चर रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है 90% से ज़्यादा होती है तो उस समय ये ज़्यादा ग्रो करता है। और कुछ ऐसे फंगस हैं जो केमिकल्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एक एस्परजिलस फ्लेवस है जो एक ग्राउंड नट में आप देखते होंगे कि जब ग्राउंड नट का कुछ ऐसा भी ग्रेन्स होता है अगर खाते हैं तो कुछ अजीब टाइप्स का लगता है तीखा टाइप्स का, तो वो अफलाटॉक्सिन के कारण होता है जो ग्राउंड नट में एक मेन डिजीज है जो स्टोरेज के टाइम पर एस्परजिलस फ्लेवस के अटैक के कारण लगती है। फिर है माइट, और माइट सुटेबल जो टेम्परेचर कंडीशंस है वो हाई मॉइस्चर होना चाहिए, और इसी जब हाई मॉइस्चर लेवल होता है तो बहुत ही तेज़ी से इसका पॉपुलेशंस ग्रो होता है और जो अटैक करती है ग्रेन्स में मोस्टली व्हीट में अगर देखें या मेज में देखें या सोरगम में देखें तो अकायरस साइरोमाइट सबसे ज़्यादा अटैक करती है स्टोरेज की कंडीशन में। हाँ, स्टोरेज का लॉसेस है जहाँ पे टू टाइप्स का लॉसेस होता है, क्वांटिटेटिव लॉसेस और क्वालिटेटिव लॉसेस। क्वांटिटेटिव मतलब जैसे एक काफ़ी सारी क्वांटिटी है एक ग्रेन्स की और उस कंडीशन में अगर उसको लॉस करता है तो क्वांटिटेटिव लॉस होता है, और क्वालिटेटिव लॉस मतलब अगर किसी चीज़ क्वालिटेटिव का मतलब है उसके जो कलर्स हैं कलर्स में इम्पैक्ट डाल देता है और उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है उस पर जो इम्पैक्ट डाल देता है ऐसे टाइप्स का, यानी जो उसकी एक क्वालिटी ख़राब कर देता है ऐसे टाइप्स का जो लॉसेस है क्वालिटेटिव लॉसेस कहलाता है, जिसमें पहला है क्वांटिटेटिव लॉस। क्वांटिटेटिव लॉस जिसमें वेट लॉस कर देता है और जैसे मॉइस्चर्स कम होता है उस समय इसका वेट लॉस के चांस ज़्यादा रहते हैं, और जो ग्रेन डिप्रेडेशंस हैं जो इंसेक्ट की वजह से कुछ ग्रेन में डिप्रेडेशन होते हैं कुछ डैमेज हो जाते हैं
जैसे रोडेंट की वजह से, बर्ड की वजह से, ऐसे टाइप्स में भी कुछ क्वांटिटी का लॉस होता है। और ग्रेन मिसहैंडलिंग लॉस होता है, जिसमें ग्रेन को स्टोरेज करते समय कुछ मिसहैंडल्स हो जाते हैं, जिनकी वजह से कुछ क्वांटिटी में लॉस होता है। क्वालिटेटिव लॉस, क्वालिटेटिव लॉस में बताया था कि जैसे कलर्स होता है, अगर उसका कलर्स डिसकलर हो जाता है तो इस तरीके से उसमें जो मार्केट वैल्यू है उसकी कम मिलेगी, और वो उसका कहीं ना कहीं से जो एक लेवल होता है उसको लॉस कर देता है, जो मार्केट लेवल होता है उसको काफ़ी हानि होती है, जिसमें मोल्ड डेवलपमेंट हो जाते हैं, और मोल्ड के डेवलपमेंट होने की वजह से ही इसमें डिसकलरेशन की स्थिति आ जाती है। और जैसे न्यूट्रिशन वैल्यू जो है, न्यूट्रिशन क्वालिटी है, उसमें भी काफ़ी सारा इम्पैक्ट होता है, जो न्यूट्रिशंस में भी डिटेरियोशन ला देता है। और कुछ जैसे इंसेक्ट्स के फ्रेगमेंट्स हैं, जैसे इंसेक्ट के रिप्रोडक्टिव टाइम्स में या एक्सक्रेटरी सिस्टम्स में एक्सक्रेशंस, कुछ एक्सक्रेटा आ जाते हैं, कुछ यूरिन वगैरह आकर के इस ग्रेन्स में मिक्स हो जाते हैं, तो इस तरीके से इंसेक्ट ये इसमें हानि पहुंचाता है। अब इसमें जैसे एग्जांपल देखें तो जैसे कुछ बीटल्स हैं, जो उसके साथ में कुछ टॉक्सिन होते हैं उसकी बॉडी में बने रहते हैं, और वो जाकर के ये ऐसे ही टॉक्सिन ग्रेन में जाकर के मिल जाते हैं, और उसका टॉक्सिक फ्लेवर ह्यूमन बीइंग तक चला जाता है, तो इस तरीके से भी ये लॉस करता है। फिर फैक्टर्स इन्वॉल्व इन डिटेरियोरेशंस ऑफ ग्रेन्स, केमिकल चेंजेस हैं जिसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो ग्रेन्स में क्षति पहुंचाते हैं, जिसमें केमिकल्स चेंजेज होते हैं कई सारे, और ये केमिकल्स की कंडीशंस मॉइस्चर लेवल हो सकती है, टेम्परेचर लेवल हो सकती है, और इस तरीके से कई सारे कंपोजिशंस हैं अपना बदलते रहते हैं, और उसी हिसाब से भी ये ग्रेन की जो लॉसेस होने लगता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फंगस है, बैक्टीरिया है, इस तरीके से कुछ मोल्ड वगैरह ग्रोथ कर जाते हैं, और इसमें इस धीरे धीरे इसका जो क्वालिटी होता है वो भी लॉस हो जाता है। फीडिंग ऑन ग्रेन बाय रोडेंट्स, रोडेंट्स हैं जो माइस वगैरह आ जाते हैं और स्टोरेज में, और उनके जो ग्रेन्स होते हैं उनको पर डे खाते हैं, और इस बदौलत से धीरे धीरे उनमें बहुत सारा लॉस हो जाता है। यूजेज पुअर कंटेनर एंड स्टोर्स, कंडीशंस और भी हो सकती है ये इन्वॉल्व कि जैसे आप हम लोग जब कंटेनर यूज करते हैं, या जिस तरीके से अभी स्टोरेज कंटेनर होता है, स्ट्रक्चर कैसा कर रहे हैं और किस तरीके का कर रहे हैं और कितने दिनों के लिए स्टोर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्री एग्जामिन के तहत पूरा डिसाइड करना चाहिए, उसके बाद ही इसमें हमें अच्छे अच्छे कंटेनर्स में या अपना जो FCI वगैरह होते हैं ऐसी जगह पर अच्छे से सेफली स्टोर करना चाहिए, और ये भी मायने रखता है कि कब तक के लिए, कितने साल तक के लिए स्टोर करना है। एक्सपोजर टू स्ट्रीम इन्वायरमेंटल्स, इन्वायरमेंट्स एंड मॉइस्चर्स, जैसे कभी कभी कंडीशंस होती है कि ज़्यादा मॉइस्चर लेवल बढ़ जाएगा तो फंगस लेवल ज़्यादा आ जाएगा, टेम्परेचर लेवल अगर लो हो जाएगा तो फंगस लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इस तरीके से भी इसमें इन्वायरमेंट्स का एक्सपोजर्स काफ़ी डिपेंड करता है। लॉस ऑफ ग्रेन्स कैन बी मैनिफेस्टेड बाई, जिसमें कई तरीके का लॉस होता है, जिसमें वेट लॉस है, जैसे इंसेक्ट फीडिंग करता है, रोडेंट भी फीडिंग करता है ग्रेन्स को, और जैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उस समय भी काफ़ी सारा ऐसा एक्टिविटी होता है जिसके कारण जो उसका वेट का लॉस काफ़ी हो जाता है। फूड लॉस, जैसे हाई टेम्परेचर हो गया और ह्यूमिडिटी उसकी काफ़ी कम हो गई, और इस बदौलत इस टाइम्स के पीरियड में भी और प्रोसेसिंग के टाइम्स में और स्टोरेज के टाइम्स में भी कुछ फूड का लॉसेस बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। डैमेज बाई पेस्ट माइक्रोब्स लीड टू डिक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू, जैसे कुछ पेस्ट होते हैं और कुछ माइक्रोबियल्स भी होते हैं, जैसे फंगस वगैरह हो गए,
तो वो क्या करते हैं, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है इसको स्पॉइल कर देते हैं, क्योंकि अगर उसमें किसी में न्यूट्रिशन नहीं रहेगा, अगर हमें कोई भोजन खाने से पहले न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमें वो भोजन के खाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से फंगस हो सकता है, कुछ इंसेक्ट हैं ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम वगैरह, इनकी वजह से उसमें स्पॉइलिंग हो जाती है। फिर है क्वालिटी लॉस, जैसे कुछ ग्रेन का साइज हो गया, कलर हो गया, कुछ इनर डर्ट मटेरियल्स हो गए, बाहर से जो मटेरियल्स आ जाते हैं ग्रेन के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो इस तरीके से कुछ इसमें क्वालिटी का लॉस हो जाता है। और मॉनेटरी लॉसेस है, मॉनेटरी लॉसेस भी इसमें काफ़ी ऑब्जर्व किया गया था। और सीड लॉसेस है, सीड लॉसेस में आपका फिजिकल्स है, मैकेनिकल्स फैक्टर है, और कुछ जैसे जब सीड का जर्मिनेशंस है, वायबिलिटी है, इस तरीके का भी लॉसेस ऑब्जर्व किया गया है। सोर्स ऑफ इन्फेस्टेशंस बहुत ही प्राइमरी चीज़ है कि जो भी स्टोरेज ग्रेन्स को जो इन्फेक्ट करता है उसका मेन सोर्स हो क्या सकता है। एक तो फील्ड से काफ़ी चीज़ें हैं जो जैसे इंसेक्ट का देखा जाए तो इंसेक्ट का कुछ एग्स है जो ग्रेन के साथ में स्टोरेज तक चला जाता है और प्रॉपर इन्वायरमेंट और क्लाइमेटिक कंडीशन पाने के साथ ही वो अडाप्ट हो जाता है। और कुछ फंगस हैं जो फील्ड के साथ आ जाते हैं और गोडाउन तक चले जाते हैं। गोडाउन्स इन्फेक्शंस होता है कि जो गोडाउन्स में ही कुछ चीज़ें हैं, मोल्ड का डेवलपमेंट, गोडाउन की कंडीशंस होती है जो डिफरेंट मॉइस्चर लेवल और डिफरेंट टेम्परेचर लेवल को बिलोंग कर जाता है, उस समय गोडाउन्स में भी काफ़ी सारे जो स्पॉइलेज या इन्फेक्शंस हो जाते हैं। बैग्स एंड कंटेनर्स, अगर पुअर कंटेनर्स हैं, पुअर बैग्स का स्टोरेज है या प्रॉपर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स अच्छा नहीं है, उसमें मॉइस्चर तक पहुँच जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये इसका सोर्स हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट ऑफ स्टोरेज ग्रेन्स, प्राइमरी ग्रेन्स एंड सीड फीटर्स। हाँ, प्राइमरी ग्रेन्स या सीड फीटर्स क्या होते हैं, जैसे कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो होली या जो न्यू ग्रेन्स होता है उसको डैमेज करते हैं, मतलब एक तरीके से एक प्रॉपर सही ग्रेन होता है उसको जा कर के अटैक करते हैं। और जैसे इसी समय ही जो सीड का डेवलपमेंट वगैरह हो रहा होता है उस समय भी ये सबसे ज़्यादा उसको अटैक करते हैं। सेकेंडरी ग्रेन एंड सीड फीडर्स, ये जैसे ऑटोमेटिकली की कोई सा ग्रेन्स है और वो पहले से ही टूटा है या पहले से ही उसमें कुछ डिग्रेडेशंस है ग्रेन्स में, तो ये उसको अपना होस्ट बना लेते हैं। और ये रेड फ्लोर बीटल है, ये जैसे फ्लोर जो होता है आटा में या जैसे व्हाइट कलर का डस्ट टाइप्स का बन जाता है, तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन करता है रेड फ्लोर बीटल, जो सेकेंडरी ग्रेन्स फीडर्स होते हैं। डेटिटस एंड मोल्ड फीडर्स, ये जैसे एक पूरी कंप्लीटली अगर ग्रेन्स हमारा अच्छा है तो इस तरीके के ग्रेन्स को ये अपना अटैक नहीं करते हैं, जैसे कार्न्स है, बीटल्स है, ऐसे ग्रेन्स को अटैक करते हैं जो पुअर कंडीशन में है और वो अटैकिंग के स्टेज में है, मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है तो, और जो टेम्परेचर है लो है, तो इस कंडीशन में ये सुटेबल होता है अटैक करने के लिए। एक्सटर्नल पेस्ट, एक्सटर्नल फीडर्स ऐसे होते हैं जैसे कुछ ग्रेन्स हैं जिसमें कुछ उसके डस्ट आ जाते हैं, कुछ जो कर्नल्स वगैरह होते हैं, कुछ उसके साथ में डेब्रिस वगैरह आ जाते हैं, जो उनकी जो खूंटियाँ वगैरह होती हैं गेहूं की या धान की या जिसका भी डेब्रिस आ जाता है, ऐसे ही ये जो पेस्ट होते हैं ऐसे ही उनको अटैक करते हैं ग्रेन्स को। एक्सटर्नली रूप से पहले तो ये एक तो बाई होस्ट बनाते हैं, जैसे कर्नल्स है या जैसे डस्ट है ऐसे चीज़ में, और फिर अपना धीरे से ग्रेन्स में अटैक करते हैं, जैसे ग्रेन बीटल है, रेड फ्लोर बीटल है। इंटरनल पेस्ट, इंटरनल जो फीडर्स होते हैं वो इंसेक्ट की जो कर्नल्स होते हैं, जो मेन्स इंटरनली अटैक करते हैं, जो ग्रेन्स होता है अंदर की तरफ जा करके उसको अटैक करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा ऐसे टाइप्स के इंसेक्ट में जो स्टोरेज का लॉसेस ऑब्जर्व किया गया है, जिसमें राइस बेबिल मेन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेलकम अगेन गो फॉर एग्रीकल्चर्स YouTube चैनल।